ओके सो अब मेरी साउंड आ रही होगी। सो लास्ट क्लास तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। ये लास्ट टॉपिक था। जरा मुझे याद दिलाओगे कितना आया था कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लूं, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, तो यहां जो कैपेसिटेंस होगा दैट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो ये कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ प्रूफ हो गया था इस कैलकुलेशन में कि कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एरिया और सेपरेशन, सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड कर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो करना है विद एयर, नहीं विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब आप क्या करोगे, प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दोगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करके देखना है क्या होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी जो प्लेट्स हैं इनके बीच की पूरी स्पेस को मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल किया हो। तो ऐसे समझ लो मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दिया, पूरी स्पेस को डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने फिल किया। अब बताओ कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो लास्ट क्लास में ही मैंने पोलराइजेशन कंप्लीट किया, तो यहां पूरा पोलराइजेशन यूज होना शुरू हो जाएगा। जरा 5 मिनट सुनो, उसके बाद मुझे डाउट्स बताना। पोलराइजेशन आना चाहिए इसको समझने के। तो आपने क्या किया, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, यहां पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पॉजिटिव, दूसरी प्लेट को आपने नेगेटिव चार्ज दिया। जब आप प्लेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट स्टैब्लिश होगी। E नॉट फील्ड में पोलराइजेशन नहीं है, अभी एक्सटर्नल फील्ड है जो इस प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की वजह से जो फील्ड आएगी दैट फील्ड इज E नॉट। अब क्या होगा, सो प्लस माइनस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स। तो जो दोनों प्लेट्स हैं इन प्लेट्स पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज प्लस माइनस सिग्मा। एक प्लेट पर प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट पर जो चार्ज है दैट इज माइनस, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो रही है दैट इज ई नॉट। ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड between plates. तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। और ई नॉट आपको पता है, लास्ट क्लास में अगर आप कैपेसिटर वाली डेरिवेशन देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ई नॉट आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये हम कैलकुलेट कर चुके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना ये जो स्लैब है आपका, ये स्लैब पोलराइज हो, पोलराइज होने की वजह से यहां पर एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती जिसे मैं कहते हैं सिग्मा पी, कहते हैं माइनस सिग्मा पी, पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी। यहां एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आएगी, इसे कहते हैं प्लस सिग्मा। ये चार्ज डेंसिटी स्लैब के पोलराइजेशन की वजह से आएगी। तो मैं इसे लिखता हूं प्लस माइनस सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी d
ड्यू टू पोलराइजेशन. स्लैब के पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज डेंसिटी आएगी, दैट चार्ज डेंसिटी इज प्लस माइनस सिग्मा. तो देखो इस प्लेट पर टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, ये सिग्मा थी पहले, इनर साइड पोलराइजेशन की वजह से माइनस सिग्मा पी आ गई. तो यहां चार्ज डेंसिटी क्या होगी टोटल इस प्लेट के ऊपर, सिग्मा माइनस सिग्मा. 0 नहीं शिवा, 0 तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए. ये दोनों कभी इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है. चार्ज डेंसिटी 0 नहीं होगी, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा. और यहां देखो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी, तो यहां आएगा माइनस ऑफ सिग्मा माइनस. तो ये चार्ज डेंसिटीज आ गई. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा पी आर चार्ज डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटीज आफ्टर पोलराइजेशन. पोलराइजेशन के बाद जो चार्ज डेंसिटीज आ गई दे आर सिग्मा माइनस सिग्मा. अब ये तो ई नॉट हो गया. पोलराइजेशन के बाद एक फील्ड और आती है इनसाइड, दैट इज ई. ये भी हमने पोलराइजेशन में पढ़ा था, ईपी इज पोलराइजिंग फील्ड. तो पोलराइज होने की वजह से जो फील्ड आई है दैट फील्ड इज ईपी. हाँ, पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आर द सेम थिंग. पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटीज और इंड्यूस चार्ज डेंसिटीज एक ही चीज है. तो जो नेट चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी और पोलराइजिंग फील्ड आगे सिग्मा ई. जो नेट फील्ड होगी इनसाइड डायलेक्ट्रिक पे बताएगा मुझे नेट फील्ड इनसाइड. और एक बात और, मैसेजेस ना वो एवरीवन वाला जो ऑप्शन है उसमें करो ताकि सबको दिख रहा हो क्या हो रहा है. तो बताएगा मुझे नेट फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक कितना होगा. नेट फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक भाई नेट फील्ड बता दो इनसाइड डायलेक्ट्रिक, ये नेट फील्ड कितनी आएगी तो बताएगा मुझको. एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट है, पोलराइजिंग फील्ड ई पी है, नेट फील्ड कितनी होगी. यस शिवा, आयशा का भी आंसर सही. यस रेशम का भी सही है. नेट फील्ड इज ई नॉट माइनस ई. सो ई नॉट माइनस ई पी इज नेट फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक. और इस फील्ड को, इस नेट फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं. देखो ई नॉट क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. पहले चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी है. तो आप ई को लिख सकते हो सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. समझ में आ रहा है मैं कैसे लेकर आ रहा हूं. मैं यहां से नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं यूज ये कर रहा हूं कि जब सिर्फ सिग्मा था तो फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो मैंने लास्ट क्लास में प्रूव कराया था. अब चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो फील्ड होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन. एक तो मुझे यहां बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम. हमाद, बयान, देखो आशिफ, जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था और प्लेट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एयर थी तो फील्ड का एक्सप्रेशन आया था, फील्ड था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. जब एयर थी तो फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जब चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी. बट नाउ चार्ज डेंसिटी इज नॉट सिग्मा, योर चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पोलराइजेशन. तो अब जो फील्ड होगी वो फील्ड होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन. सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, बस एनालॉग ले रहा हूं. पहले जब फ्री स्पेस था तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी है तो फील्ड सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन. एशिफ, हुआ क्लियर अब.
मैं एक रिलेशन यूज कर रहा हूँ जिसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है ना, इसे आप सिग्मा बाय के लिख सकते हैं, वेयर के इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. सिग्मा बाय के लिख सकते हैं आप इसे, वेयर के इज डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जहां के आपका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है. तो यहाँ सिग्मा माइनस सिग्मा की जगह सिग्मा रख दीजिए, तो ये ई आ जाएगा, ई सिग्मा बाय के एप्सिलॉन. आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, आपको पता है अगर फ्री स्पेस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो डायलेक्ट्रिक में सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आप लोग जानते हैं. लेकिन एनसीईआरटी ने ना ये सारे स्टेप्स करके दिखाए, तो ये करके दिखाना जरूरी. सो दैट इज सिग्मा बाय के एप्सिलॉन. अब सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट अगर आ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर. अब नेक्स्ट स्टेप है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स. तो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कौन बताएगा? जिगमत बताएगा. जिगमत पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? जिगमत पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा प्लेट्स के बीच में? Potential difference between the plates. तुम लोगों ने ऐसा लगता है पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया. V sigma, क्या कह रहा है? पलट के देखो लास्ट वाला केस, जिगमत. लास्ट डेरिवेशन देखो, जो डेरिवेशन हमने ट्यूसडे करी थी. अरे नहीं यार, कौन बताएगा मुझे? नीतीश बताएगा. नीतीश बताओ यार, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फील्ड तो पता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? जरा सा पलट के अगर लास्ट डेरी, हाँ देखो भाई ये भी तो बता रहा है ना, नीतीश भी आंसर दे रहा है, सही दे रहा है. प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन. लिखवाया था आपको E is minus of dV by dr होता है. dV को V लिखा था, dr को D लिखा था, तो V लिख सकते हैं E into D. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D. दिस इज थर्ड इक्वेशन. डॉर्जे और जिगमत पढ़ना शुरू कर दो. अब चल डॉर्जे ये बताओ, सिग्मा को चार्ज की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? डॉर्जे हनु, सिग्मा को चार्ज की टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो? अरे जीरो कैसे? हाँ, रेहान का आंसर सही आया, शिबा का आंसर सही आया. लास्ट क्लास का भी अगर जरा सा याद हो ना तो ये परेशानी ना. सिग्मा इज क्यू बाय ए होगा, तो सिग्मा की जगह क्यू बाय ए रखो. सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू डी by a k epsilon, that is equation number 4. ये potential difference आ गया. potential difference आ गया तो अब मुझे चाहिए capacitance. कौन बताएगा ये मुझे? उमा, उमा बताओ जरा capacitance कैसे आएगा? उमा फिरदौस, उमा फिरदौस बताइए जरा capacitance कैसे आएगा potential difference अगर आ गया.
जिससे मैं पूछता हूँ उसके अलावा सब क्या आंसर, सब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्यू बाय टू, तो सी आ गया चार्ज क्यू। अच्छा आपकी क्लास में सुई है क्यू बाय क्यू डी बाय ए के एप्सिलॉन। क्यू से क्यू चला गया, अब जगह नहीं है यार मेरे पास, इसे देख लो, ए के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा, इतना लिख लीजिए। और मुझे डाउट्स बताते रहिए इसमें जो भी डाउट्स है भाई। ट्यूसडे थर्सडे नया बैच शुरू हुआ है, ट्यूसडे थर्सडे शुरू हुआ, मंडे फ्राइडे, हाँ मंडे फ्राइडे। इतना लिख लो तो मुझे बता दो, तो कैपेसिटेंस आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, एयर में कितना था एप्सिलॉन नॉट ए बाय, जब आपने सिर्फ प्लेट्स के बीच में एयर थी तो कैपेसिटी थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय, तो देख रहे हो के टाइम्स हो गया, के ग्रेटर देन वन होता है, तो सी इज ग्रेटर देन सी एयर, इक्वल टू तो एयर के लिए होता है, अदरवाइज तो के वन से बड़ा होता है, तो सी इज ग्रेटर देन एयर मींस कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे, डायलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोड्यूस करते ही उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस के टाइम्स होता है, इतना लिख डालो फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अभी तक हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब कैसे डाला था, फुल्ली इंट्रोड्यूस किया था, पूरी प्लेट के बीच में एक डायलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, लेकिन अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब में पार्शियली रखो, कुछ स्पेस में डायलेक्ट्रिक स्लैब हो कुछ स्पेस में एयर हो, सो पैरेलल प्लेट capacitor with dielectric slab partially filled between plates.
डायलेक्ट्रिक स्लैब है लेकिन इसे मैंने पार्शियली फिल कर दिया। तो देखो भाई, अब जितने लोग बैठे हो ये चीज सबके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। डी वो सेपरेशन है जितने सेपरेशन में फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर फील्ड डी सेपरेशन में है तो डी से मल्टीप्लाई करोगे, फील्ड डी बाई टू सेपरेशन में तो डी बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज बहुत क्लियर हो जाए आगे की कैलकुलेशंस के लिए, वरना फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन का हाफ। और फील्ड के लिए ये चीज क्लियर रहे कि एयर में फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में अभी हमने प्रूफ किया है फील्ड होती है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपने दो प्लेट्स ली होंगी, एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो अब ना हम पोलराइजेशन नहीं दिखाएंगे, जो हमने पोलराइजेशन वाला रिजल्ट ड्राइव किया था उसे डायरेक्टली यूज करेंगे। इस प्लेट को आपने नेगेटिव चार्ज माइनस से, और यहां आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर। एक टी थिकनेस का स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखो यहां पर जो फील्ड आ रही है, दिस फील्ड इज ई नॉट, ये तो एयर है ना, ये भी एयर है, यहां भी फील्ड ई नॉट होगी। Within dielectric slab, यहां पर ये dielectric है। Within the dielectric, जो field होगी, that field is E. So inside dielectric field E है, बाकी जो area में जो field है, that is E. तो यहां वो आपसे कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। तो देखो E नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर and E is electric field inside dielectric. Free space कितने region में है? देखो टोटल जो था ना, दैट टोटल इज डी, डी में से टी में तो डायलेक्ट्रिक है, तो जो रीजन बचा वो रीजन बचा डी माइनस टी। तो डी माइनस टी रीजन में एयर है और डायलेक्ट्रिक है रीजन टी में। और तुम्हें ये पता है कि जो ई नॉट है, दैट ई नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट, और ये जो E है, that E is sigma by k epsilon naught, that is second. Free space में field sigma by epsilon naught होती है। और D दोनों plates, देखो यहाँ देखो ढंग से देखो जिगमत, D इन दोनों plates के बीच का separation है। T dielectric slab की thickness is T और separation between the plates is T. प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, जैसे आप V कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, फील्ड लो
और जितने रीजन में फील्ड है उस रीजन से मल्टीप्लाई कर दो, कितने रीजन में फील्ड है, डी माइनस टी रीजन, तो डी माइनस टी से मल्टीप्लाई, फिर फील्ड लो ई, जितने रीजन में फील्ड है, फील्ड कितने रीजन में, टी रीजन, टी से मल्टीप्लाई। बताइए मुझे थर्ड इक्वेशन तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अनूर, ऋषम, चिकमत, कोई डाउट है ना? बस इतना काम करना है कि वन और टू को थ्री में रख दो। तो जब आप इतना सब्सटीट्यूशन करोगे देन वी इज ई नॉट, E naught is sigma by epsilon naught d minus t plus et, which is sigma by k epsilon naught multiplied by t. That's equation. So yeah, देखो v में sigma by epsilon naught common आ जाए, ये बचेगा, this is t minus t plus t by k. सिग्मा इज पहले की तरह चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया। जैसे आप सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, दैट्स इक्वेशन नंबर वी आ गया। तो अब आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। Capacitance C is Q by V. So it's Q by A epsilon naught ये कैंसिल, तो ये C आ गया, ऊपर चला जाएगा epsilon naught A divided by D minus T plus T by K. तो अगर आपने dielectric slab partially fill किया हुआ है then capacitance is this epsilon naught A by D minus T plus T by K. यहां तक बताइए मुझे doubts, क्या क्या problem है? और जो ये पोटेंशियल कैलकुलेट किया ना, सारी डेरिवेशन में यही काम तो कर रहे हैं, पोटेंशियल की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ध्यान नहीं दे रहे डॉर्जे क्लास में, v की जगह इसे सब्स्टिट्यूट किया ना, q by a epsilon naught d minus t plus t by k, q से q कैंसिल हुआ, ये ऊपर चला गया, अभी डॉर्जे हुआ जाए। तो अब कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, यहां मैं टी कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस 1 बाय जिस मैंने इन दोनों में ना टी कॉमन ले लिया, और जब एयर थी, सिर्फ एयर थी प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डॉर्जे बताओ जरा मुझे कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके, कैपेसिटेंस सेम है, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, क्या हुआ कैपेसिटेंस?
और जे कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा, डिक्रीज हो गया, सेम हो गया। पहले इतना था, अब ये है, दौड़ जे किस कैलकुलेशन से सेम आ रहा है, डिक्रीज हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया, अब इसे हरनूर का सही है, बाकी सब पता नहीं नींद में है आज, क्या मसला है भाई बताओ मुझे, छोड़ो फिजिक्स, फिजिक्स तो बाद में करेंगे, फिजिक्स तो बाद में करेंगे, पहले बताओ 5/3 और 5/2 में कौन सा बड़ा है, फिजिक्स करेंगे बाद में। नीतीश 5/3 बड़ा है 5/2 बड़ा है, कैसे पता 5/2 बड़ा है, जहां डिनोमिनेटर कम है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, इन दोनों में न्यूमरेटर तो सेम है, यहां डिनोमिनेटर है डी, यहां डिनोमिनेटर है डी माइनस समथिंग, कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है, ये स्मॉल है ना, समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो गया भाई, डिनोमिनेटर कम हो गया तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ये बड़ा होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के कंपेरेबल, तो फिर कैपेसिटी इंक्रीज होगी, एयर के कंपेरेबल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आप डायलेक्ट्रिक को पार्शियली भी फिल करो, यहां तक बताइए मुझे क्या डाउट है, तो देखो आप डायलेक्ट्रिक पूरी तरह से फिल करो या डायलेक्ट्रिक पार्शियली फिल करो, कैपेसिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर यही मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि दो की जगह मैंने कई डायलेक्ट्रिक्स ऐड कर दी, भाई ये क्लियर है सबका, मास शिवा सप्लेन खुशी उमा, अगर हम एन डायलेक्ट्रिक्स ले रहे, अगर हम एन डायलेक्ट्रिक्स ले रहे, कई डायलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल दिया, सबके थिकनेस अलग अलग है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसकी थिकनेस T1, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, थिकनेस T2, KN, थिकनेस TN, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D, एरिया ऑफ प्लेट इज ए, तो अगर ऐसे एन डायलेक्ट्रिक डाल रहा है तो देखो ऐसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी माइनस T1 T2 जितने भी होंगे सबकी थिकनेस ऐड करो, प्लस T1 बाय K1 T2 बाय K2 TN डिवाइडेड बाय, तो ये आप ऐसे क्या, अगर इन डायलेक्ट्रिक्स दिए हुए हैं तो आप ऐसे करो, डी माइनस T1 प्लस T2 अप टू TN पर T1 बाय K1 T2 बाय K2 TN बाय, अगर एक से ज्यादा डायलेक्ट्रिक दे रहा है, एक हो तो सिंपल यही आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय
ऐसे कर लो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एक सिंगल के लिए एन है तो ऐसे आएगा, इतना भी लिख लीजिए। हालांकि एन डाइलेक्ट्रिक्स सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, आप स्कूल एग्जाम्स में नहीं आ सकता, इतना हो जाए तो बताओ मुझे सर हम करते हैं। चलो ये लिख लिया सबने, इसे मैं रब करता हूँ। जिगमत और दौड़जे, अब जब भी मैं पूछूं तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, अगर मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लूं और प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब डाल दूं, लाइक ये प्लेट्स नहीं है, प्लेट एरिया ये, तो मैंने यहां पर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, ऐसे कर कर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, इट्स अ कंडक्टर। देखो ये तो एयर है, प्रांजल तुम्हारा डायलेक्ट्रिक स्लैब मिस हुआ है, इसे देखो इससे समझ में आएगा, ये भी एयर और ये भी है। यहां चार्ज डेंसिटी इज प्लस सिग्मा, ये चार्ज डेंसिटी इज माइनस, कंडक्टर है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है, कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं, एयर है, एयर में फील्ड इज ई नॉट, यहां भी फील्ड, विद इन द कंडक्टर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर ये डायलेक्ट्रिक स्लैब होता तो डायलेक्ट्रिक स्लैब में कुछ फील्ड एग्जिस्ट करते, सो ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, that is in region d minus t, ये conducting slab की thickness ना t है, t में तो conducting slab है, बचा कितना d minus t, d minus t में dielectric slab, air, और e naught आप जानते हैं, e naught is sigma by epsilon naught, तो जब हमने dielectric slab किया था इतना step same थे, कोई फर्क नहीं था, what is e, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कंडक्टर, इन साइड कंडक्टर दैट इज इन रीजन टी, टी रीजन, तो इसे आप लिख सकते हो ई इज जीरो,
तो जब हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब लिया था तो ये ई जीरो नहीं था, लास्ट डेरिवेशन में ई था सिग्मा बाय के एप्सिलॉन। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इज फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। ई नॉट फील्ड कितने सेपरेशन में, डी माइनस टी में, ई फील्ड टी सेपरेशन में, थर्ड इक्वेशन। वन और टू को थ्री में रख दीजिए, सारी कैलकुलेशन एक ही तरह की है, एक आती है आपको तो फिर आप सारी कर दो। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस जीरो, सो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा को आप लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया। तो जब आप ये सब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इट्स क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। कैपेसिटेंस निकाल दो, क्यू बाय बी, इसे कुछ नाम दे दो इक्वेशन नंबर फोर, इसे कुछ नाम दे दो इक्वेशन नंबर फाइव, फोर को फाइव में रख दीजिए। फोर को जब आप फाइव में रखोगे दिस इज क्यू बाय बी विच इज क्यू डी माइनस टी एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल, सी आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। ये कैपेसिटी आ गई। डॉर्जे है क्लास में भी, डॉर्जे हानु, डॉर्जे क्लास में हो तुम? सिग्मत तुम बताओ जरा कैपेसिटी एयर के कंपेरेबल क्या हुआ, कैपेसिटी पर एयर में जो कैपेसिटेंस था और अब जो कैपेसिटेंस है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ सेम रहा क्या रहा? जिगमत इंक्रीज हुआ भाई, सबको दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ। एयर जब था तो कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब कैपेसिटी अब डी कम हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम होने का क्या मतलब है कैपेसिटी बढ़ जाए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी कैपेसिटेंस इज फ्री, लिख लीजिए इतना इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। हो गया इतना सबका, चलो शेयर अप करते हैं फिर। तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सारे केसेस देखे, डायलेक्ट्रिक स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, पूरी तरह से फील्ड है, पार्शियली फील्ड है, सब आ जाए। अब तुम
में से कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा अगर मैं इसमें आपसे कहता हूं इफ कंडक्टिंग स्लैब कंप्लीटली फिल्ड स्पेस बिटवीन कैपेसिटर्स, अगर ये कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटर के बीच की जो स्पेस है ना उस स्पेस को पूरी तरह से फिल करता है, दैट मीन्स टी अगर डी उधर, तो देखो जब तुम कैपेसिटेंस लोगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय जीरो, अगर ये पूरी तरह से फिल कर जाए मतलब तो कैपेसिटेंस जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब इनफाइनाइट कैपेसिटी क्या फिजिकल लगती है? हो सकता है किसी कंडक्टर की या किसी सिस्टम की कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, वो इनफाइनाइट चार्ज ले जाए, पर ये इनफाइनाइट फिजिकल नहीं हो सकता। दिस रिजल्ट इज अनफिजिकल रिजल्ट, कैपेसिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। कोई फिजिकली समझा सकता है कि कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, क्या इनफाइनाइट कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रही है? मैथमेटिकली तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन फिजिकली ये क्या शो कर रहा है कि अगर मैं कंडक्टर को पूरी तरह से फिल कर दूं और इसे ऑब्वियसली सेल से कनेक्ट करोगे चार्ज देने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेल से ही आ रहा था, ये कंडक्टर है, सी इज इनफाइनाइट, को बता सकता है क्या मतलब इनफाइनाइट होने का? करंट फ्लो करता रहेगा, गुड शिवा, तो इनफाइनाइट कैपेसिटी का क्या मतलब हो जाएगा? सोचो आंसर्स दो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं तुम लोगों को। हाँ, करंट नहीं रुकेगा, बट कैपेसिटर में हम करंट फ्लो कराने के लिए यूज करते हैं या चार्ज स्टोर करने के लिए? ऐसे सोचो, क्या चार्ज स्टोर होगा? इट इज फ्लोइंग आउटसाइड द कंडक्टर, पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ना, मतलब ऐसे ये तो करंट फ्लो करने लगेगा पूरे सिस्टम में। हाँ, चार्ज फ्लो होगा इनफाइनाइट, स्टोर कुछ भी नहीं होगा। ये तो ऐसा देखो, अगर तुम ढंग से सोचो तो ये बचा क्या? मैंने बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में एक कॉपर का पीस लगा दिया, तो ये कैपेसिटर थोड़ी ना बचा, ये तो एक कंडक्टर का बल्ब पीस हो गया। ये कंडक्टर का एक बल्ब पीस लेकर आपने फिट कर दिया, जिसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि स्टोर कर रहा है, इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब है ये सेल से कितना भी चार्ज दे ले इसे क्या फर्क पड़ता है, एक एंड से लेगा चार्ज दूसरे एंड में चला जाएगा। सो द सी इक्वल टू इनफाइनाइट चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, ये फ्लो कर रहा है, शो कर रहा है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये पता नहीं मुझे याद है कभी वन मार्कर में ना कभी ये पूछा हुआ है कि इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी तो मतलब क्या होगा? इट सिंपली मींस कि चार्ज स्टोर नहीं होगा, चार्ज फ्लो करेगा। इतना लिख लीजिए और मुझे बताइए फिर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट में डाउट है तो बताओ। ये लिखा है चार्ज फ्लो करेगा, स्टोर नहीं होगा, चार्ज फ्लो होगा। अब अगर इतना तुम्हें समझ में आया तो एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ जरा मुझे। इतना हो गया, रब कर दूं सब आएगा। खुद सोचो ना, इन्फिनिटी मतलब एक कैपेसिटी, अगर मैं तुमसे कहूं एक बॉडी की वेलोसिटी इनफाइनाइट है, फायदा क्या? फिजिकल है
मतलब क्या रियल लाइफ में किसी बॉडी की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है? कैसा हो सकता है कि एक बॉडी की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो? नहीं हो सकता। कोई भी रियल लाइफ में जो क्वांटिटीज होती है ना, उनकी वैल्यू इंफिनिटी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर दे, पॉसिबल ही नहीं। Given figure shows Q versus V graph of two capacitors A and B. Compare their capacitors. इस ग्राफ को यूज कर कर मुझे इनके कैपेसिटेंस कंपेयर करके बढ़ा दो, किसका कम है किसका ज्यादा है। शुरू हो दो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या है। A is more, okay? A greater than B. आएगा आंसर लिखो अपना। B greater than A. तो देखो, अगर यहां मैं स्लोप से कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, this is perpendicular, this is this. तो आप स्लोप लिख सकते हैं tan theta. Tan theta होता है ना perpendicular upon base, तो it's v by q. v by q आने का क्या मतलब है? This is 1 by c. तो यहां जो स्लोप है वो स्लोप कैपेसिटेंस नहीं दे रहा, यहां स्लोप 1 बाय कैपेसिटेंस दे। स्लोप इज 1 बाय कैपेसिटेंस। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी कैपेसिटी कम। फायदा किसका स्लोप ज्यादा है, किसका ग्रेटर है स्लोप, ए और बी? फायदा सो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, that means slope of B is greater than slope of A. Slope greater है, that means capacitance कम होगा. Capacitance of B is less than capacitance of A. ज्यादातर लोग गलत कर रहे थे, एक सबसे पहले प्रांजल का सही था, आयशा का ठीक है, नीतीश का भी ठीक है, शिवा का ठीक है, शिव शिवनाज रेशम का भी ठीक है। So, capacitance A का ज्यादा as compared to. इसमें डाउट बताइए, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन करो।
इतना हो जाए तो बताओ सर, अब करते हैं नेक्स्ट मेडिकल करते हैं। डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा घुमाते हैं, ये भी ग्राफ पे करते हैं, थोड़ा सा इसे एक्स एक्सिस पर अब मैंने वी ले लिया, वाई एक्सिस पर मैंने क्यू ले लिया। ख्याल रखना एक्सिस चेंज होने का मतलब है अब स्लोप 1/c नहीं देगा, स्लोप सी देगा। चेक करना इसे, दिस इज ए, दिस इज बी। गिवन फिगर शोज क्यू वर्सेस वी ग्राफ for two capacitors one in two. The two capacitors have same plate separation. But plate area of 2 is double than that of 1. Which of the lines corresponds to C1 and C2 and Y? तो दो कैपेसिटर्स है ना, एक कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2। सेम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ 2 इज डबल इन दैट ऑफ ए, तो 2 का एरिया इज 1 के कंपेरेबल डबल है। तो पूछ रहा है ए और बी में से आइडेंटिफाई करो कौन सा C1 है कौन सा C2। चलो भाई करके बताओ, ये भी आप ही करेंगे। A is C2. एक आंसर आया रेशम का, जिग्मा डोर्जे करो करो, अभी तो 4 ही लोगों के आंसर्स आए, और लोग ट्राई करो। तो देखो यहां पहला काम तो ये करना है,
पहला काम ये होगा यहाँ कि स्लोप से, चलो स्लोप तो बाद में, पहले जो एरिया के लिए डेटा दिया ना वहां से कैपेसिटेंस निकाल, C1 जो होगा वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, C2 जो होगा ना वो कह रहा है एरिया डबल, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट 2A डिवाइडेड बाय, ये दो चीज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और जो C2 होगा दैट्स एप्सिलॉन नॉट 2A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट 2A डिवाइडेड बाय D. बहुत क्लियर है कि C2 इज ग्रेटर देन C1, उसने दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस डबल, एरिया डबल होगा तो कैपेसिटेंस डबल होगा। अब यहां स्लोप से कंपेयर कीजिए, तो देखो अगर यहां मैं स्लोप कैलकुलेट करूं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर पैरेलल है Q के, बेस पैरेलल है V के, तो जब आप यहां स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज C, तो अब स्लोप इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस नहीं दे रहा, स्लोप आपको कैपेसिटेंस दे रहा, तो जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको कैपेसिटेंस दे रहा। अब देख लो सीधे सीधे किसका स्लोप ज्यादा है, दिस इज बी एंड दिस इज ए, बहुत क्लियर दिख रहा है ए का एंगल ज्यादा है, थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, दैट मीन्स सी ए इज ग्रेटर देन सी। अब यहां से देख लो मैथमेटिकली सी टू ग्रेटर देन सी वन आया था, ग्राफिकली सी ए ग्रेटर देन सी बी है, जब मैच करोगे तो सी ए की जगह क्या आएगा, सी टू, तो सी ए सी टू है, सी बी सी वन है, तो यहाँ आंसर्स किस किस के सही है, सप्लेन का सही है, सी ए सी टू है, ए सी टू, फाइका का भी सही है, जिगमत का भी सही है, नीतीश का भी सही है, आयशा का भी सही है, प्रांजल का भी सही है, आशिफ, क्या बात है, किसी ने भी गलत नहीं किया, सबका सही है। मतलब कोई डाउट ही नहीं है, जब सबका सही आ रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आगे करें। कैपेसिटर इजी है स्कोरिंग, कैपेसिटर से क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग टॉपिक है, रब कर दूं इसे मैं, रब कर दूं, नेक्स्ट एक, इसके बाद जो नेक्स्ट कैपेसिटर है दैट इज स्फेरिकल, नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। सो देखो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या चेंज होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप दो प्लेट्स लेते हो, स्फेरिकल कैपेसिटर में आप दो स्फेयर्स लेते हो, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ले लिया, ये आपने दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ले लिए, फर्स्ट स्फेयर का रेडियस है ए, सेकेंड स्फेयर का रेडियस है, दो स्फेयर्स ले लिए, फर्स्ट स्फेयर का रेडियस है, दूसरे स्फेयर का रेडियस, फर्स्ट स्फेयर को आपने कोई चार्ज दिया प्लस क्यू, तो देखो इंडक्शन हमने पढ़ा था, सेकेंड स्फेयर की इनर सरफेस पर माइनस क्यू इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू इंड्यूस होगा, लेकिन मैं इसे अर्थिट कर देता हूं, अर्थिंग से क्या होगा, ये जो प्लस क्यू है ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा, तो देखो एंड रिजल्ट क्या हुआ, कैपेसिटर के लिए क्या होना चाहिए था, दो कंडक्टर्स दोनों पर ऑपोजिट चार्ज, तो देखो इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, दोनों कंडक्टर्स पर चार ऑपोजिट,
सो आपके पास दो ऑपोजिटिवली चार्ज कंडक्टर था। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखो क्या तरीका है, कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए फील्ड कैलकुलेट करो, पहले हम फील्ड कैलकुलेट करेंगे फिर पोटेंशियल। पहला वाला देखो सॉलिड या हॉलो में से कुछ भी हो सकता है, बट दूसरा वाला हॉलो ही होगा तभी उसके अंदर कुछ और आएगा। तो पहला कंडक्टर्स है ना, सॉलिड हॉलो से फर्क नहीं पड़ता, पहला तो सॉलिड और हॉलो दोनों हो सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले के अंदर पहला वाला है, तो ये तो नहीं हो सकता है कि दूसरा वाला सॉलिड और दूसरा वाला हॉलो ही होगा। सो यहां पहला काम करना है आपको, सो कंसिडर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड। सो दो कंडक्टिंग स्फीयर्स लिए हुए, एक कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस ए है, दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस इज बी नॉट। ये दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है हैविंग रेडियस ए। इन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए आपको कई चीजें कैलकुलेट, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। तो यहाँ जो पहला स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इन स्फीयर्स के बीच में, इन बिटवीन द स्फीयर्स। आप फील्ड कैलकुलेट करो, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जब आप फील्ड कैलकुलेट करोगे तो देखो फर्स्ट स्फीयर से सेपरेशन कितना है आर। जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो फील्ड आएगी क्यू बाय 4 pi epsilon naught r। तो दोनों स्फीयर्स के बीच में जो फील्ड है दैट्स क्यू बाय 4 pi epsilon naught r। अब अगर फील्ड आ गई तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। Potential difference between spheres. तो spheres के बीच में जब आप potential difference लोगे, तो देखो मैं inner sphere और outer sphere के बीच का potential difference ले रहा हूँ। Inner sphere positive है तो potential positive, outer negative है तो potential negative. So potential difference होगा v plus minus v minus. और फील्ड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना सिखाया था आपको इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, बी से आउटर से इनर तक जाओ। ये सिखाया था मैंने आपको कि अगर फील्ड गिवन है और फील्ड वेरिएबल है तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंटीग्रेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस की सेकेंड क्लास में कराया था, पोटेंशियल की फर्स्ट या सेकेंड क्लास में कराया था। अब देखिए ई भी आर के अलोंग है, डी आर तो आर के अलोंग है ही, सो ई इज पैरेलल टू डी आर। डॉट ओपन कर दीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस ऑफ बी टू ए ई डी आर कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो इट्स माइनस ऑफ बी टू ए इट्स ई डी आर B2A, EDA. आप E की वैल्यू रख दो, माइनस ऑफ इट्स B2A, E आ जाएगा Q by 4 pi epsilon naught R square into D. So potential difference is minus q by 4 pi epsilon naught 1 by r square का जो integral होता है, अब integral में direct कर रहा हूँ, 1 by r square को integrate करोगे तो minus 1 by r है, तो integral आ जाएगा minus 1 by r, limit is from b to a, minus minus plus हो जाएगा q by 4 pi epsilon naught
वन बाय ए लिमिट रखेंगे माइनस वन करेंगे. सो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इट्स क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स ए बी बी माइनस. This is 3. चलिए 3 को 4 में रखिए और देखिए कैपेसिटेंस कितना आ रहा है. और मुझे बताइए इतनी कैलकुलेशन में कोई डाउट है अगर. ये फील्ड का एक्सप्रेशन आपने गॉस लॉ में किया था और ये पॉइंट चार्ज का भी है. सॉलिड स्फीयर ऐसे बिहेव करेगा कि सारा चार्ज उसके सेंटर पर. डाउट्स बताओ यहां तक. आमना क्लियर है ये. रेशियो लो और कैपेसिटेंस देखो कितना है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाय ए बी. ठीक है प्रांत. So, जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे सो दिस इज क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए. क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए इसे आप ऊपर ले जाइए सी हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए. ये कैपेसिटेंस ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस. एनसीईआरटी ने स्फेरिकल कैपेसिटर थ्योरी में नहीं दिया, लास्ट में एक क्वेश्चन गिवन है जहां ये डिराइव कर रहा था. अब इसके बाद आपका एक होमवर्क है, आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. Of cylindrical capacitor. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो सिलेंडर्स होंगे, इनर सिलेंडर है रेडियस एगा
एक आउटर सिलेंडर होगा जिसका रेडियस बी है, बाहर वाले को आपने अर्थेट किया होगा। ये होगा कि आप डिराइव करोगे, बस मैं आपको बता रहा हूं फील्ड का एक्सप्रेशन यहां होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन। इंटीग्रल वही करना है डी से, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। और ये याद रखिएगा 1/r का इंटीग्रल लॉग आर होता है। इसे करिएगा वर्कआउट, कैपेसिटेंस कितना होता है। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये आपको होमवर्क है, आप वर्कआउट करोगे कैपेसिटेंस और बस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अच्छा, अब सैटरडे लास्ट वीक की तरह मॉर्निंग में क्लास है, लास्ट संडे मिस हो गया था, इस बार इस संडे नहीं होगा, सैटरडे संडे क्लास है आपकी मॉर्निंग 9 to 10:30। अच्छा, इस क्लास की ना मीटिंग आईडी चेंज हो जाती है, तो जो 3-5 वाली मीटिंग आईडी है मैं लास्ट 2 वीक से आप लोगों को दे रहा हूँ, वो मीटिंग आईडी होगी सैटरडे संडे मॉर्निंग 9 to 10। मीटिंग आईडी वो 3-5 वाली मीटिंग आईडी होगी, मीटिंग आईडी चेंज कर दो।